आईआरसीटीसी से शेयर के ऊपर, क्योंकि स्टॉक के अंदर आप देखोगे लगातार जो स्प्लिट के बाद, ठीक है, स्प्लिट के बाद जो है वॉलीटिलिटी बनी हुई थी, अप्स एंड डाउन्स जो है मूवमेंट देखने को मिल रहे थे। बट वहीं अगर आप ध्यान दोगे तो पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक जो है अच्छी खासी तेजी दिखा रहा है। एंड वहीं आज की मार्केट में देखोगे तो करीब करीब 3% के साथ जो है इसके अंदर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है, जिसके अंदर प्राइस की बात करें तो करीब करीब 24.5 रुपये का जो है आपको गेन देखने को मिला है। सो ये तेजी जो है अभी बरकरार रहेगी या नहीं, और क्या हमें इस टाइम अब हमें इसके अंदर निवेश कर लेना चाहिए या फिर इसके अंदर में नेक्स्ट टारगेट क्या देखने को मिल सकते हैं, उन सभी फैक्टर्स के ऊपर जो है बात करेंगे। और इससे जुड़ी ही कुछ बड़ी खबरें जो है निकल कर आई है उसके ऊपर भी जो है थोड़ी सी नजर डालेंगे। सो उससे पहले बता दूं, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जो हमारी डेली बेसिस पे वीडियोस होती हैं आप बिल्कुल भी मिस ना करें। सो गाइस, अगर आप ध्यान दोगे आज के चार्ट के अंदर, तो आज के एक दिन के अंदर या फिर क्लोजिंग की बात करें तो ओपनिंग से देख सकते हो क्लोजिंग तक करीब करीब 3% की आपको तेजी देखने को मिली है, जिसके अंदर प्रीवियस क्लोज से अगर आप देखोगे तो स्टॉक जो है थोड़ा सा ऊपर के साइड में जो है ओपन हुआ था। लाइक ओपनिंग की बात करें तो 835 रुपये का देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इसके हाई की बात करें तो आपको 58 रुपये का देखने को मिलेगा, 858 रुपये का, और उसने उसी के आसपास जो है आपको क्लोजिंग दिखाई है। सो मार्केट में जो है लगातार आपको तेजी देखने को मिली थी, और जैसे ही मार्केट निफ्टी जो है गिरती हुई दिखाई दी उसी के साथ जो थोड़ी सी इसके अंदर आपको वॉलिटिलिटी देखने को मिली, बट काफी ज्यादा जो है आपको इसके अंदर बाइंग प्रेशर देखने को मिला, जिसके बाद जो है स्टॉक में अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। सो बाइंग प्रेशर की बात करूं तो आप देख सकते हो इसके क्वार्टर्स IRCTC के NSE की वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर अगर ध्यान दोगे तो करीब करीब 3% की जो तेजी के साथ आपको NSE के अंदर देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ इसके ट्रेड स्नैपशॉट के ऊपर नजर डालोगे तो आपको करीब करीब अभी भी जो है आपको बाइंग प्रेशर जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। लाइक बाइंग क्वांटिटी की बात करें तो करीब करीब 9000+, ठीक है, 9000+ जो है क्वांटिटी अभी भी मार्केट प्राइस पे जो है आपको बाइंग करने के लिए लोग देखने को मिल जाएंगे। बट वहीं अगर आप सेलिंग क्वांटिटी की बात करें तो आपको एकदम जीरो देखने को मिलेगा, जिस वजह से अगर आप देखोगे तो कल की मार्केट में भी आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी के साथ जो है ओपनिंग देखने को मिलेगी। और वहीं इसकी क्लोजिंग की बात करें तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी खासी जो है देखने को मिल सकती है। एंड उसकी वजह की बात करें तो आप कंपनी इंफॉर्मेशन के अंदर आप देख सकते हो हाल फिलहाल में आपको लगातार जो है पिछले कुछ दिनों से अच्छी खासी जो है अपडेट्स देखने को मिलेगी। सो किस बारे में अपडेट्स, उसके ऊपर अभी नजर डालेंगे पहले, जिसकी अगर आप डिटेल्स की बात करें तो सबसे पहले हम लास्ट जो आपकी डिटेल्स देखने को मिली है, जो कि इन्वेस्टर मीटिंग की जो आउटकम से रिलेटेड देखने को मिलेगी, इसके अंदर क्या आउटकम निकला है, क्या डिसीजन है फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड, और इसके नेक्स्ट प्लान्स क्या होने वाले हैं, इसके अंदर जो है सारी डिटेल्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। जिसके अंदर आप ध्यान दोगे तो IRCTC का जो है आपको ऑफिशियल नोटिस देखने को मिलेगा, जो कि आपको आउटकम से रिलेटेड, ठीक है, इन्वेस्टर की जो मीटिंग हुई थी अभी हाल फिलहाल में, जो कि Q2 की अर्निंग कॉल से रिलेटेड देखने को मिली थी 1 नवंबर की, उसका जो आउटकम देखने को मिला उसकी रिलेटेड जो है आपको सारी डिटेल जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। सो इंडियन रेलवे लिमिटेड का जो है अगर आप देखोगे Q2 FY 2020 का जो अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल है, ठीक है, इसकी डिटेल जो है आपको सारी देखने को मिल जाएगी मैनेजमेंट एंड मॉडरेटर्स की तरफ से। जिसके अंदर आप ध्यान दोगे तो IRCTC के जितने भी मॉडरेटर्स हैं, ठीक है, लाइक अगर आप ध्यान देंगे दीवान भट्ट, रजनीश हसीजा, और अभी दूसरी ओर ध्यान दोगे तो बहुत से आपको जो है इसके मॉडरेटर देखने को मिलेंगे, अजीत कुमार, और इनकी सारी डिटेल, ठीक है, सारी डिटेल्स जो इसके अंदर दी गई है, और Q2 से रिलेटेड जितनी भी अर्निंग्स है और नेक्स्ट प्लान्स हैं, ठीक है, हर प्रमोटर, हर जो है मॉडरेटर्स की तरफ से जो इनकी डिटेल्स दी गई है सारी जो है आपको इसके अंदर देखने को मिली, जो कि काफ़ी शानदार और पॉजिटिविटी के साथ देखने को मिलेगी, जिसका असर आपको Q3 के रिजल्ट पे पड़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको एक अच्छी खासी जो है तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है। इसी वजह से जो है स्टॉक के अंदर आपको एक अच्छी खासी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, और लगातार पिछले कुछ दिनों से स्टॉक जो है एक अच्छा खासा जो है परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है इसके अंदर। सो गाइस, इसी के रिगार्डिंग जो है आपको सारी जो है आपको अनाउंसमेंट, सारी जो डिटेल्स देखने को मिल जाएगी अगर आप इनको खोलकर अच्छे से रीड कर लेते हैं। बट अगर आप बात करें हम इसके टारगेट्स की या फिर इसके वॉल्यूम्स की, सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं, जिसके अंदर आप डिटेल्स वाइज देखोगे तो करीब करीब आज जो है 1 करोड़ क्वांटिटी का जो है आपको कामकाज देखने को मिलेगा। लाइक प्रीवियस क्वांटिटी अगर आप देखोगे तो जिसके अंदर 6 लाख का ट्रेडिंग हुई थी, 1 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी, और वहीं से अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से अगर आप डिलीवरी बेसिस पर अगर आप ध्यान दोगे तो क्वांटिटी जितनी भी ट्रेड हुई है सीधा सीधा आपको 100 गुना के आसपास जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। जिसके अंदर आप डिलीवरी की बात करें तो काफ़ी शानदार जो है आपको डिलीवरी देखने को मिली है प्रीवियस, ठीक है,
प्रीवियस जो डिलीवरी हिस्ट्री है उससे जो है काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिली है। और इसी के साथ मार्केट में जो लगातार आपको अप्स एंड डाउन्स ट्रेडिंग देखने को मिल रही थी, और उसी के बाद जो है मार्केट ट्रेडिंग में या फिर इसके जो कम्युनिटी सेंटिमेंट की बात करें तो करीब करीब जो है अभी भी आपको 90% लोग जो है इसके अंदर आपको बाय करके होल्ड करने की सलाह देते हुए दिखाई देंगे, जिसके मुताबिक अगर ध्यान दोगे तो ओनली 10%, ठीक है, ओनली 10% लोग जो है आपको इसके अंदर सलाह देंगे कि स्टॉक को सेल कर चलिए। तो स्टॉक की सेंटिमेंट की बात करें या फिर टेक्निकल्स की बात करें तो आपको काफ़ी पॉजिटिव अभी देखने को मिल जाएगी। सो इसी बेसिस पे मैं कहूँगा स्टॉक के अंदर अभी आपको बने रहना चाहिए। और बात करें इसके पिवट्स लेवल की, लाइक अगर आप ध्यान दोगे तो आपको ऑलरेडी जो है आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे, बट इसके टारगेट्स की बात करें तो आपको डेफिनेटली 915 रुपए के टारगेट्स के लिए रुकना चाहिए, जो कि आपको मात्र एक वीक के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। और वहीं साथ ही दूसरी ओर बात करें इसके सपोर्ट की, तो लास्ट जो है 734 रुपए का जो है आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी स्ट्रांग एंड वैल्यूएबल स्टॉक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जो कि मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से क्रॉस या फिर ब्रेकडाउन होगा। सो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म के लिए भी अगर आप होल्ड करके बैठे हैं 5 से 10 या 20 दिन के लिए भी, तो आप डेफिनेटली 915 रुपए से 950 रुपए तक के लिए रुक सकते हैं। और बात करें लॉन्ग टर्म के टारगेट की तो वो आपको काफ़ी शानदार जो है देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे स्टॉक जो है लगातार आपको ग्रोथ करता हुआ दिखाई देगा। जब से इसने क्वार्टर टू का जो है मल्टीफोल्ड जंप दिखाया है नेट प्रॉफिट के अंदर, लाइक अगर आप ध्यान दोगे इस न्यूज़ की तरफ तो IRCTC ने क्या किया है, मल्टीफोल्ड जंप दिखाया है सेप्टेम्बर क्वार्टर टू के रिजल्ट के अंदर, जिसके अंदर नेट प्रॉफिट की बात करोगे या फिर सेल्स की, आपको काफ़ी शानदार जो है पॉजिटिविटी के साथ जो है तेज़ी देखने को मिलेगी प्रीवियस क्वार्टर वन के मुकाबले, या फिर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे क्वार्टर टू के बारे में जो कि 2020 में हमें देखने को मिला था, ठीक है। सो लार्ज जो है आपको अच्छी खासी प्रोग्रेस के बाद जो है अच्छी खासी जो है परसेंटेज वाइज जो है इसके अंदर वापस से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर इसके वजह से प्रॉफिट बुकिंग जो है आपको कम देखने को मिल रही है। एंड वहीं इसके अंदर गिरावट जो शुरू हुई थी वो है थी म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड ने जो है जब से इसके अंदर सेलिंग प्रेशर बनाया था, अपने होल्डिंग्स बेचने चालू किए थे, तब से जो है स्टॉक जो है 6,300 के आसपास हुआ करता था, वहां से लगातार जो है गिरता हुआ देखने को मिला था। बट वहीं से अगर आप ध्यान दोगे स्टॉक काफी तेजी से जो है वापस से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 5-6 दिनों से, जब से म्यूचुअल फंड ने इसके अंदर होल्डिंग वापस से बढ़ानी चालू की है। तो डेफिनेटली स्टॉक के अंदर आप होल्ड करके चल सकते हो, इसके टारगेट जो है काफ़ी अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं भविष्य में अगर आप होल्ड करते हो शॉर्ट टर्म के लिए भी या फिर होल्ड टर्म के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे तो इससे रिलेटेड आपको सारी जो खबरें आपको देखने को मिल रही हैं अभी हाल फिलहाल में पॉजिटिव देखने को मिलेंगी, जिससे रिलेटेड अगर आप ध्यान दोगे कंपनी लगातार जो न्यू प्लान्स लॉन्च कर रही थी, एंड अभी हाल फिलहाल में जो है श्री रामायण यात्रा के रिलेटेड जो है स्टॉक ने कुछ ट्रेंड्स जो है लॉन्च किया है, और स्टॉक जो है अभी अच्छे खासे जो है लेवल्स पर मिल रहा है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। एक्सपर्ट का कहना है कि स्टॉक को डेफिनेटली अभी आप बाय करके चल सकते हो और अच्छे खासे जो है प्रॉफिट की संभावना इसके अंदर देखने को मिल रही है मात्र 1 साल से 2 साल के अंदर, अगर आप इसको अच्छे खासे नजरिए के साथ रखते हो। अगर आप इसके अंदर ट्रेडिंग करते हो, लाइक ट्रेडिंग कैसे आप इसके अंदर 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए होल्डिंग करते हो या फिर बाय सेल करते हो इंट्राडे के लिए, तो डेफिनेटली आपको इसके अंदर थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन देखने को मिल सकते हैं। बट वहीं दूसरी ओर देखोगे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो इसके अंदर, तो आपको एक अच्छे खासे जो है प्रॉफिट देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं। सो इसी के साथ बात करें इसके टारगेट्स की, सो मैक्सिमम चार्ट में जैसे कि आपको स्टॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे जो फॉर्मेशन बना था स्टॉक ने तेजी दिखाई और एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, वापस स्टॉक ने काफी अच्छा खासा कंसोलिडेट करके ऊपर गया था, एंड वहीं से देखोगे एक बड़ी गिरावट हमें फिर से देखने को मिली, ठीक है। सो यहीं से जो है सेम जो चार्ट पैटर्न बन रहा है यहाँ से रिकवर होकर स्टॉक जो है काफी तेजी दिखाने वाला है भविष्य के अंदर, मात्र 1 साल भी आप इसको होल्ड कर लेते हो तो डेफिनेटली स्टॉक के लेवल आपको 2000 या फिर 2500 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएंगे, एंड वहीं आपका नजरिया इसके अंदर 5 से 10 साल का है तो डेफिनेटली स्टॉक जो है आपको लॉन्ग टर्म के अंदर जो है 10,000 रुपए के भी पार जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का बिजनेस है मोनोपोली और लगातार जो है अपने बिजनेस सेगमेंट को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, तो डेफिनेटली स्टॉक जो है 10,000 का लेवल या फिर 10,000 के टारगेट को जो है डिजर्व करता है। सो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट जरूर करना, मैं जल्द से जल्द जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल के ऊपर पहली बार विजिट किया हो तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू गाइस।